हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस न्यू ब्लॉग में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मार्केट से काफ़ी थक हार जाने के बाद घर जब मैं वापस आई थी, तो ऐसा नहीं है कि आके बस लेट जाओ और आराम मिल जाए, नहीं। उसके बाद मुझे लगी हुई थी कि कान्हा जी को भोग भी देना है, कुछ भी नहीं खाया था तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ भोग बनाया था। और दीपशिखा दीदी आई थी नीचे से ना, इडली लेके आई थी और शिवांश को उस सॉस के साथ उसने खाया, ऐसी प्लेन लेके आई थी वो। और उस टाइम पे मैंने बताया था कि मैं पानी पी रही थी और मैंने थोड़ा सा कुछ अपना एक मेडिसिन दी थी जिससे कि मेरे को सर में थोड़ा सा आराम मिल जाए, तो वही लेके मैंने यहाँ पे फिर शिवांश ने वो तो खा ली थी इडली जो भोग लगाया था, तो कि मेरे कान्हा जी को भी दे दो, तो उसने कान्हा जी को भी दे दिया था। और ऐसा ही होता है, बच्चे की लगन होती है कि कोई चीज़ आई है तो कान्हा जी को भी देनी है। तो यहाँ पर जो इडली बची थी ना, तो मैंने क्या किया था ना, कुछ वेजिटेबल अपना कट कर लिए थे और इनको अच्छे से यहाँ पर पका लिया था सभी को, और साथ में मैंने मेयोनीज वगैरह लेके तो इस तरह से इनको फ्राई कर दिया था। तो ये मेरे पास दो बचे थे, और क्योंकि शिवांश ने खा ली थी, एक प्लेट खा ली थी उसने, और यहाँ पे जो बची थी तो प्लेट, क्योंकि नहीं ऐसा खाने का मन हो रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना फ्राई कर ली थी। और सच बताऊँ, जो इडली होती है ना उसे फ्राई करने में जो अच्छा लगता है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे फ्राई करके ना, किस किस को अच्छी लगती है इस तरह से बताना मुझे। तो दीदी ने इंस्टेंट वाली बनाई थी उन्होंने दही के साथ, और सूजी वाली थी ये, चावल वाली नहीं थी, और बहुत टेस्टी थी, सॉफ्ट भी थी। तो इस तरह से मैंने ये शाम का स्नैक चाय के साथ थोड़ा सा बना लिया था, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि खाने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे बनाने के बाद ये मैं गई थी। फिर शिवांश कहने लगा था कि मम्मी मुझे मंदिर जाना है, तो मैं उसे मंदिर लेके गई थी। और अभी दिखाऊंगी, गिफ्ट भी था जो अलका ली थी लास्ट मैंने वीडियो में दिखाया था, जिनके घर पे कथा थी और शाम को खाना था, तो उनका दो दिन पहले भी बर्थडे था दीदी का, तो मैं उनके घर भी गई थी। और बस वो सारे काम निपटाते हुए मैं शिवांश को मंदिर भी ले गई थी, मंदिर के दर्शन कराए, फिर वापस से आई थी और फिर सारे घर के काम काज भी बहुत सारे थे, सब कैचर नहीं किया था। तो बर्तन वगैरह सब करने के बाद जाके फिर दीदी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर शिवरात्रि का भी फास्ट रखना था मुझे, भगवान जी दर्शन कर लेते। जय बजरंग, जय हो। शिवान सर झुकाओ, ऐसे प्रणाम करो बेटा सबको। हरे ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय की जय। शिरावाली माता की जय। साचे दरबार की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। शंकर पार्वती जी की जय। गणेश जी महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। खाटू श्याम बाबा की जय। मोहन राम बाबा की जय। चित्रकूट धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर पीड़ा हर सर्व पाप हर 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 महादेव चैनल। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मार्केट से जो मार्केट में जाने के बाद जो हालत हुई है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट दवाई लेके, आइस में ड्रॉप डाल के, विक्स लगा के कंटिन्यू अपना काम करती रही। शिवांश को मंदिर भी जाना था, घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, सब भूख लगी थी तो खाना भी देना था। मैं आपको दिखाती थी मैं थोड़ा सा सामान क्या लेकर आई थी कल महाशिवरात्रि के लिए। मैं जो सामान ले रही हूँ वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। और मैंने शिवांश को बताया था कि शिवांश मैं दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, फ्रेंड्स को बताऊंगी। तो पता है अभी टाइम हो गया है 10:45 और मैं बस, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, आँखें खुल नहीं रही हैं, मतलब सर में दर्द था। बट इसको याद था कि मम्मी आपने प्रॉमिस किया था, अपने फ्रेंड्स से बोला था कि आपको बताएंगी। तो ये वीडियो जो है ना शिवरात्रि की नाइट, यानी एक दिन पहले की है ये, तो मैं इसको रात में शूट कर रही हूँ और ये वीडियो मेरी कल जाएगी। शिवरात्रि की तैयारी हमने कैसे की और आज का जो ब्लॉग है आपको दिखाऊंगी। सुबह मेरा मन है मैं साड़ी पहनूंगी और मेरा भी व्रत रहेगा, और देखते हैं मंदिर पर कैसी तैयारी रहेगी। और आप सब भी हमारे साथ चलना भोले बाबा के दर्शन करने।
तो चलिए मैं आपको सामान दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से। बाबू आओ ना फ्रेंड से मिले। तो सबसे पहले देखो मैंने एक साँचा लिया था, साँचे बोले कि अभी इस चीज़ का क्या ज़रूरत थी, मेरे घर में था भी नहीं। और शिवान ना कभी कभी शिवान से कहता कि मम्मी मेरे लिए बेटा कान्हा जी को भी आने दे। ये क्या है? ओके ट्राईपॉड इतना ही होता है, बता दे। तो शिवान डिस्टर्ब कर रहे हो, आप सामान दिखाने दो, हटो जल्दी। जल्दी हटो सामने से। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप ये मैंने बताशे लिए थे जो कि मैं पूजा में काम लूँगी, और एक कलावा लिया था मैंने पूजा के लिए, ज़रूरी है मस्त है। मैंने ये रखा था मेरे पास तो मैंने नया ले लिया था। और ये मैंने ना श्रृंगार में मैं लेना चाह रही थी अलग से सारी चीज़ें, कि श्रृंगार के लिए मैं अलग से चीज़ें ले लूँगी, लेकिन फिर ना मैंने एक श्रृंगार ले लिया था जो कि ये बहुत ही अच्छा श्रृंगार है और इसमें सारी चीज़ें ना यूजेबल है, ऐसी नहीं है कि मैंने देखा था लोकल सा आता है उसमें जो चीज़ें होती है ना, मतलब चूड़ियाँ भी प्लास्टिक की होती है तो वो सही नहीं रहता श्रृंगार। तो ये श्रृंगार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसमें ना चूड़ियाँ वगैरह सब जो है कांच की चूड़ियाँ हैं, और कांच की चूड़ी हमको चढ़ानी चाहिए श्रृंगार में, वही सगुन की होती है, और इसमें सारा कुछ सामान है। तो ये पैकेट जो था 70-80 रुपये का आया था ये, और इसमें मुझे पूरा श्रृंगार फुल श्रृंगार इसमें मिल गया। तो ये लिया था मैंने, ये मैंने माता रानी की एक चुनरी ली, और ये बहुत बड़ी साइज़ की चुनरी है, तो ये उल्टी फोल्ड हो रही है और इस तरह से चुनरी है ये मैया रानी की, मतलब ये पार्वती माँ के लिए श्रृंगार के लिए लाई हूँ। तो बहुत बड़ी साइज़ की चुनरी है ये देखिए, बहुत बड़ी है, एक साड़ी की तरह ही है ये, वैसे चुनरी है श्रृंगार और चुनरी। तो ये था, और फ्रेंड्स ये मैं मंदिर और अपने कान्हा जी के लिए, देखो ये बहुत शाइनिंग वाला कपड़ा है, तो ये मैं नीचे बिछाने के लिए लेकर आई हूँ, और अच्छा लगता है पूजा पाठ में जो इस तरह से बिछाने के लिए ना, तो ये कपड़ा ले लिया था। मेरे मंदिर का जो एक बार दिवाली में जब गिर गया था तो इसमें दरवाजे थे ये फाटक, ये मतलब कांच वाला था, तो टूट गया था तो वो मैंने निकाल दिया था, लेकिन मंदिर पर पर्दा ज़रूर होना चाहिए। तो एक पर्दा के लिए देखो बहुत प्यारा से प्रिंटेड कॉटन का मैं एक येलो कलर का कपड़ा ले गई हूँ, जब लगाऊंगी पर्दा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये पर्दा ले गई हूँ मैं, और फल में मैंने लिए यहाँ पे बेर, ये जो है आप देख सकते बेर हैं ये, और ये चढ़ते हैं फल में, फल में ये शिवरात्रि के इस पर बहुत ज़्यादा इनकी महत्व होता है बेल। तो ये बेल ले लिए थे, और ये भी लिया है ऐसे भी मैं खजूर का एक पैकेट था ये, तो एक ये रख लिया था मैंने, इसमें से भी मैं चढ़ाऊँगी। टमाटर आजकल मैंने आपको दिखाए थे भाई, जब हम वहाँ गए थे ना मंडी में इतने अच्छे अच्छे टमाटर थे, देखना कितने बड़े बड़े साइज़ के थे, और सिर्फ ये 20 रुपए किलो टमाटर है। आजकल टमाटर का सीज़न बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैंने ये मेरे पास रखे थे पर मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसलिए ले लिए थे भाई। इसमें जो सामान है ये मैंने आधा किलो पेठा ले लिया था, व्रत में खाने में भी काम आ जाएगा, व्रत रखूँगी, और ये प्रसाद के लिए भी आ जाएगा था। यहाँ ली थी मैंने मिठाई, ये मिठाई है, ये बर्फ़ी मतलब पीने वाली बर्फ़ी है ये, और ये अच्छी है शुद्ध है, तो ये मैं पूजा के लिए ले गई हूँ चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे है फूल, और ये इसमें फूल में एक है धतूरा, धतूरा भी चढ़ाते हैं भगवान जी के भोलेनाथ के। तो ये देखिए फूल मैं आपको मंदिर में ही चढ़ाऊँगी और मंदिर में भी लेके जाऊँगी। यहाँ मैंने ले लिए थे अनार, ये अनार मैंने खोल के नहीं रखा था, ये ऐसे कर लेती हूँ कैमरे को। ये अनार है, इसमें है बेल, बेल पत्थर सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है बेल पत्थर का होता है, और इसमें भांग, तो पूरे रात पे भांग चढ़ाई जाती है, तो ये भांग भी है। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे केले, केले भी मैंने ये उठा लिए। तो यस गाइस, मेरा सामान जो मैं ले गई थी शिवरात्रि के कल त्यौहार के लिए। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी रखें। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको मंदिर वाली कल या नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी, हमारे यहाँ पर कैसे कैसे पूजा पाठ हुई और मैंने किस तरह से हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, हम तब तक के लिए बाय। हमारे जय श्री कृष्णा।